नमस्कार, मैं श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम, केंद्रीय विद्यालय एमईजी एवं केंद्र बेंगलुरु संभाग में कार्यरत हूँ। नमस्कार, आज हम विष्णु खरे द्वारा कृत गद्य पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेखक श्री विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया। फिनलैंड का राष्ट्रीय नाइट ऑफ द व्हाइट रोज सम्मान, शिखर सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि। श्री विष्णु खरे एक भारतीय कवि, अनुवादक, साहित्यकार तथा फिल्म समीक्षक, पत्रकार व पटकथा लेखक थे। उनके कविता संग्रह हैं एक गैर रुमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछली बाकी। उनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, आलोचना की पहली किताब, सिनेमा पढ़ने के तरीके। उनके कुछ अनुवाद हैं, टी एस इलियट का अनुवाद मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, यह चाकू समय, आतिला योसेफ, काले वाला, फिनी राष्ट्र कवि। विदेशी कविता से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में सर्वाधिक अनुवाद कार्य को उन्होंने संपन्न किया। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ का केंद्रीय भाव। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता है। चार्ली चैपलिन में सबको अपनी छवि दिखाई देती है और चार्ली की इसी जादू को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है। चार्ली चैपलिन एक हास्य कलाकार के रूप में, लेखक कहते हैं चार्ली चैपलिन ने एक हास्य कलाकार के रूप में देश और काल के बंधनों से दूर एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को हंसाया। उनकी प्रथम फिल्म मेकिंग ऑफ लिविंग का बने 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी संदर्भ में लेखक ने चार्ली के जादू का वर्णन किया है। वे कहते हैं टेलीविजन और वीडियो के प्रसार के कारण एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग पुनः चार्ली को देख रहा है। हो सकता है चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक अब भी काफ़ी कुछ कहा जाएगा। चार्ली की फिल्मों का आधार, लेखक कहते हैं चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई हैं, बुद्धि पर नहीं। चार्ली का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागलखाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक एक साथ आनंद उठा सकते हैं। चार्ली की फिल्मों ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने के साथ साथ दर्शकों की वर्ग व वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। चार्ली भीड़ का वह बच्चा है जो संकेत से बतलाता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक का तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता, लेकिन चार्ली ने अपनी फजीतियाँ करवाकर शासक के दुर्व्यवस्था को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। चार्ली चैपलिन का जीवन परिचय। चार्ली एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा था। उन्होंने
भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष किया। वे समाज द्वारा दुत्कारे गए। इन सब से चैपलिन को वह जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें बने रहे। चार्ली नानी की तरफ से खानाबदोश से जुड़े हुए थे। खानाबदोश का अर्थ है नोमैडिक ट्राइब्स, और यह संभावना प्रकट की गई है कि उनमें कहीं न कहीं भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे, ऐसी मान्यता है। पिता की तरफ से भी यहूदी वंशी थे। जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया, और वे कभी मध्यम वर्गीय बुजुर्गवा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। चार्ली की फिल्मों की समीक्षा। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों, विशेषज्ञों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुनाया, और उन्हें नेति नेति कहते हुए यह मानना पड़ा कि चार्ली पर कुछ नया लिखना अत्यंत कठिन है। कला सिद्धांत को जन्म नहीं देती, अपितु कला स्वयं अपने सिद्धांत गढ़ लेती है। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें समीक्षाओं से कोई लेन देन नहीं होता। दर्शकों को चार्ली एक जाना पहचाना चरित्र लगता है, क्योंकि वे स्वयं को हर दसवें सेकंड में मुसीबत में डाल देता है। चार्ली ने कला में बुद्धि की अपेक्षा भावना को महत्व दिया। बचपन की दो घटनाओं का चार्ली पर प्रभाव। बचपन में एक बार चार्ली बीमार थे, तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाना शुरू किया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग तक आते आते दोनों माँ बेटे रोने लगे थे। इस प्रसंग ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी, और उनमें स्नेह, करुणा और मानवता उत्पन्न किया। चार्ली के जीवन की दूसरी घटना इस प्रकार है। चार्ली कसाई खाने के निकट रहते थे। वहां रोज सैकड़ों जानवरों को लाया जाता था। एक दिन एक छोटी सी भेड़ जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने के लिए कसाई खाने के कर्मचारी पूरे सड़क पर फैल गए। वे कई बार सड़क पर फिसल कर गिरे और जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। अंत में उन्होंने भेड़ को पकड़ लिया, उसे कसाई के पास ले जाने लगे। चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और उनसे कहने लगा, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। इस घटना ने चार्ली के भावी फिल्मों की भूमिका तैयार कर दी थी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। लेखक ने चार्ली के संदर्भ में भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की चर्चा की है। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में कई रस हैं। नवरस के बारे में हम जानते ही हैं। लेखक कहते हैं, जीवन में हर्ष और विषाद, खुशी, सुख और दुख आते रहते हैं। यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे नए रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। हमारे यहाँ रामायण और महाभारत में जो भी हास्य दिखाया गया है वह दूसरों के प्रसन्नताप से है। संस्कृत नाटकों में भी विदूषक ही हास्य का पात्र निभाता है, नायक नहीं। इस प्रकार भारत में सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की
कोई परंपरा नहीं है, जो चार्ली की खास विशेषता है। चार्ली का भारतीयकरण। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता विश्व के प्रत्येक देश में है। चार्ली एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें सबको अपनी छवि दिखाई देती है। भारतीय जनता ने भी उन्हें स्वीकार किया, इसलिए इनकी इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों में जैसे आवारा, 420 आदि में उनकी नकल की। उनका अनुकरण करते हुए दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर आदि फिल्मों में देव आनंद ने 9-2-11, फंटुश, तीन देवियां आदि फिल्मों में अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी में तथा श्रीदेवी मिस्टर इंडिया में कहीं न कहीं उन्होंने उनकी कला का अनुकरण किया। इसे चार्ली का भारतीयकरण कहते हैं। हास्य प्रतिभा के रूप में चार्ली का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, चार्ली की अधिकांश फिल्में मूक होती हैं, भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ा। चार्ली की सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिटी तक कोई भी कलाकार नहीं पहुंच पाया। उनके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। चार्ली स्वयं पर हंसते हैं और भारतीय परंपरा में व्यक्ति अपने पर हंसने की परंपरा नहीं है। होली जैसे त्यौहार हैं, उन पर विनोद प्रियता के रूप में हंसा जाता है, लेकिन हमारी कला और संस्कृति में नहीं। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे शासकों पर हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसते हैं जब वे स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से भरे हुए सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति बन दूसरों से अधिक शक्तिशाली स्वयं को समझते हैं। हम सब अपने को चार्ली मानते हैं, क्योंकि चार्ली की छवि कहीं न कहीं हमारे मन में बसी हुई है। हम लोग सुपरमैन नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम चार्ली हैं। सत्ता, शक्ति, बुद्धि तथा प्रेम और पैसे की चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। हम स्वयं अपना चेहरा आईने में देखकर मुस्कुरा उठते हैं तो चार्ली की छवि अपने आप हमें दिखाई देती है। यहाँ क्लिक कीजिए और चार्ली के वीडियो का आनंद उठाइए। चार्ली चैपलिन पाठ से बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए जो प्रश्न हैं वे निम्नलिखित हैं। चार्ली चैपलिन के जीवन की विशेषताएं बताइए। चार्ली एक परित्यक्ता का पुत्र था। भयावह गरीबी का बचपन में ही उन्हें सामना करना पड़ा था। बचपन में उन्हें माँ के पागलपन से संघर्ष करना पड़ा था। खाना बदोशों से जुड़ाव ने उनमें स्नेह, करुणा और मानवता के जीवन मूल्यों को संपन्न किया। तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत में
करुणा को हास्य में बदलने की रीति क्यों नहीं है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 80% जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। भारतीय कला में हर्ष, विषाद, श्रृंगार, वीर आदि रस हैं, किंतु त्रासदी का हास्य में बदलने की परंपरा नहीं है। भारतीय सिद्धांत में करुणा को हास्य में बदलने की विधि नहीं है। यहाँ उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं, रामायण और महाभारत जो है वहाँ पर दूसरों के परसंताप को ही हास्य के रूप में देखा गया है। और दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि संस्कृत के नाटकों में विदूषक ही एक हास्य कलाकार की भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ नायकों का हास्य कलाकार के रूप में बहुत ही कम देखने को मिला है। करुणा में परिवर्तन एक नए रस सिद्धांत की मांग करता है। तो ये 3 मार्किंग स्कीम के पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न जो बार बार पूछा गया है वह है चार्ली का भारतीयकरण। भारतीयकरण यहाँ कुछ भी नहीं है, जो भारतीय कलाकारों ने चार्ली की नकल की उसे भारतीयकरण कहते हैं। तो भारतीय सिनेमा ने चार्ली की नकल की। करुणा को हास्य में परिवर्तित करना तथा स्वयं पर हंसना, जो हमारी संस्कृति और परंपरा में नहीं था। तो उदाहरण दे सकते हो राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, श्रीदेवी आदि कलाकारों ने अपनी फिल्मों में चार्ली की नकल की और चार्ली के जैसे भूमिका निभाने का प्रयास किया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार्ली के जीवन की जो दो घटनाएं जिनसे वे प्रभावित हुए, तो आप ईसा मसीह का उदाहरण और कसाई खाने और भेड़ का उदाहरण, इसकी व्याख्या आप लिख सकते हो। पहले भी हमने इसकी चर्चा की है। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। यह पाठ से संबंधित कुछ मिनिमम लेवल लर्निंग क्वेश्चंस हैं, तो आप उस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा। आशा करती हूँ कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ से आप रूबरू हुए होंगे। यदि आपको कोई शंका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।